प्रदेश में पिछड़ रही कांग्रेस में जान भरने के उद्देश्य से हमीरपुर के बचत भवन में युवा कांग्रेस के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर प्रदेश के युवा कार्यकर्ताओं में नया रक्त संचार किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की। प्रदेश में पिछड़ रही कांग्रेस में जान भरने के उद्देश्य से हमीरपुर के बचत भवन में युवा कांग्रेस के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर प्रदेश के युवा कार्यकर्ताओं में नया रक्त संचार किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की। वर्तमान में परिस्थितियों में किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इन सभी बातों को लेकर चर्चा की गई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी आई कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CWC में चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करके इस पर फैसला लेंगी। विधायक यात्रा भत्ता पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं आज भी अपने व्यक्तित्व पर कायम हूं, लेकिन विधानसभा में बोलने का मौका न मिलने के वहां पर कुछ नहीं बोल पाए और इसलिए सोशल मीडिया पर ही अपने विचार व्यक्त कर पाया हूं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जनता को दोनों पहलू देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई विधायकों के द्वारा बत्ते का प्रयोग तक नहीं किया गया है और पूरी उम्मीद है कि 80% विधायक अब भी बत्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेंज नहीं हुआ था, जो मैंने बात कही है मैं उस पे अटल हूँ। ये जरूर है कि विधानसभा में मैं अपनी बात इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि वहाँ पे वरिष्ठ नेताओं को कई मुद्दों पे बोलने का मौका मिलता है, मगर निश्चित तौर से मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रदेश की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो निश्चित तौर से ठीक नहीं है और उसमें सरकार द्वारा जो ये फैसला लिया गया था, या तो ये इसको अवॉइड किया जा सकता था या इसको थोड़े समय के लिए टाला जा सकता था, तो इस पर ये बात है। मगर निश्चित तौर से जहाँ तक ये इसका एक पहलू है, मगर इसमें दूसरा पहलू ये भी बहुत आवश्यक है कि कई ऐसे विधायक हैं जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, जिनको इस तरह की एक जो है समर्थन सरकार की ओर से चाहिए होता है, आवश्यक होता है, तो हमें इस चीज़ को उनके दोनों पहलू से देखने की आवश्यकता है।